थाने की एक सोसाइटी में कुर्बानी पर हुए विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने बिना इजाजत सोसाइटी में कुर्बानी को गलत बताया। हाईकोर्ट ने बिना इजाजत कुर्बानी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कल थाने की एक सोसाइटी में एक व्यक्ति अपने घर पर दो बकरे लेकर आता है कुर्बानी के लिए, ईद की कुर्बानी के लिए, और इसको लेकर हंगामा सोसाइटी के लोग करते हैं। अब इस सब के बीच में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की कि कोई भी बिना परमिशन के बकरा नहीं ला सकता है और ईद की कुर्बानी नहीं दे सकता है। इधर मुंबई के नजदीक थाने के मीरा रोड इलाके में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे लाने पर बवाल हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि वहां पुलिस तक बुलानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी वहां जमकर बवाल होता रहा, क्योंकि वहां रहने वाले दूसरे समुदायों के लोग किसी भी कीमत पर हाउसिंग सोसाइटी से बकरे को बाहर निकालने पर अड़ गए। यह हंगामा तब हुआ जब वहां रहने वाला एक मुस्लिम परिवार बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए दो बकरे लेकर हाउसिंग सोसाइटी पहुंचा। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला और एक आदमी हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट से दो बकरे अपने फ्लैट में ले जाते दिखे, लेकिन जैसे ही वहां रहने वाले लोगों को इसकी भनक लगी वो भड़क गए। बकरे को बाहर निकालने के लिए उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर वहां पुलिस बुलानी पड़ी। इस दौरान कुछ लोग एक दूसरे से बहस करते दिखे, जिन्हें कुछ पुलिस वाले अलग करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा। और ठाणे की उस हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के लिए लाए गए बकरे के विरोध में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहां रहने वाले लोगों ने उस मुस्लिम परिवार पर हाउसिंग सोसाइटी के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया और ये भी आरोप लगाया कि मुस्लिम परिवार ने हाउसिंग सोसाइटी का माहौल खराब करने के लिए कदम उठाया। इसी बात का विरोध जताने के लिए वहां रहने वाले लोग प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी ही देर में वहां हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कुछ लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां नारे भी लगाए। इस बीच कुछ लोग उस मुस्लिम परिवार के लोगों से बहस करने लगे जो बकरे लेकर हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे थे। आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने उस मुस्लिम परिवार की गाड़ी को भी हाउसिंग सोसाइटी में जाने से रोक दिया और उस हाउसिंग सोसाइटी में बकरे लाने पर बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। बकरे लाने वाले मुस्लिम परिवार के मुताबिक उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी में बकरा रखने के लिए जगह की मांग की थी, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से उन्हें बकरे रखने के लिए कोई जगह नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर बकरे को अपने फ्लैट में लाना पड़ा। मुस्लिम परिवार का आरोप है कि जब इस बात की खबर लोगों को लगी तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। दो बंदे आके मेरी वाइफ के ऊपर ये किए, अटैक किए बरोबर। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी से बकरे को बाहर करवाया, जिसके बाद वहां हंगामा शांत हो गया। इस मामले में उस मुस्लिम परिवार की शिकायत पर पुलिस ने बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पांच लोग हैं और सात आठ लोग। बकरीद से पहले हुए इस बवाल को देखते हुए पुलिस ने वहां भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इस बीच त्रिपुरा के उनाकोटी से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया।